देश के लोगों के लिए तो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो लिखा वो भारत का संविधान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए संविधान वो है जो आरएसएस के प्रमुख लिखते हैं। उनका देश के संविधान में आस्था नहीं है, क्योंकि देश के संविधान को तो बदलना चाहते हैं, तार तार करना चाहते हैं। देखिए आप, प्रधानमंत्री ने कितने अहंकार में कहा, खुद बाबा साहब आ जाएं तो संविधान बदल नहीं सकते। ये किस बात का चैलेंज आप दे रहे हैं बाबा साहब को? बाबा साहब ने तो एक बच्चे को जन्म दिया है संविधान के रूप में, उसका कत्ल वो क्यों करेंगे, वो क्यों कोई बदलाव करेंगे? इसका मतलब बदलाव की मंशा आपके और आरएसएस के और संघ के मन में और नागपुर में बैठे हुए लोगों के मन में है। तो आपकी मंशा जाहिर है, आप नागपुर का संविधान इस देश में लागू करना चाहते हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान, उससे अगर कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ जान की बाजी लगा के हम लोग लड़ने का काम करेंगे। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। जब पूरे देश में लोगों के मन में इस बात की आशंका उत्पन्न हो रही है, तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के और कार्यकर्ताओं के मन में ये बात लगातार मजबूत और दृढ़ हो रही है कि 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है, और इसके बाद गलती से अगर मोदी जी की सरकार आ गई तो देश का संविधान बदल देंगे, चुनाव खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, किसानों और युवाओं के अधिकार, महिलाओं के अधिकार को छीन लेंगे। इस बात की आशंका हर दिन मजबूत हो रही है, प्रबल हो रही है, और इसके एक नहीं अनेक उदाहरण है क्यों यह धारणा मजबूत हो रही है लोगों के मन में। आपको याद होगा, देश के गृह मंत्री ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा साहब 50 साल तक बीजेपी राज करेगी, 50 साल तक। कहां से आई ये बात उनके दिमाग में, क्या योजना है उनके मन में? चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो जनता तय करती है। तो 50 साल तक बीजेपी राज करेगी, ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बोलते हैं। दूसरी बात, इनके एक आरएसएस के बड़े प्रमुख नेता हैं मोहन वैद्य जी, 2017 का उनका बयान है, वो कहते हैं देश में आरक्षण खत्म होना चाहिए। 2015 में आरएसएस के प्रमुख, आप सब जानते हैं, देश के लोगों के लिए तो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो लिखा वो भारत का संविधान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए संविधान वो है जो आरएसएस के प्रमुख लिखते हैं। उनका देश के संविधान में आस्था नहीं है, क्योंकि देश के संविधान को तो बदलना चाहते हैं, तार तार करना चाहते हैं। वो किसके संविधान को मानते हैं? वो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के संविधान को मानते हैं। जो नागपुर का संविधान है वो भाजपाइयों पर लागू होता है, भारत का संविधान वो नहीं मानते, भारत के संविधान में उनकी आस्था नहीं है। और इसीलिए देखिए आप, प्रधानमंत्री ने कितने अहंकार में कहा, खुद बाबा साहब आ जाएं तो संविधान बदल नहीं सकते। ये किस बात का चैलेंज आप दे रहे हैं बाबा साहब को? बाबा साहब ने तो एक बच्चे को जन्म दिया है संविधान के रूप में, उसका कत्ल वो क्यों करेंगे, वो क्यों कोई बदलाव करेंगे? इसका मतलब बदलाव की मंशा आपके और आरएसएस के और संघ के मन में और नागपुर में बैठे हुए लोगों के मन में है। और इसीलिए देश का गृह मंत्री खुलेआम कह रहा है 50 साल तक देश पे राज करूंगा, क्योंकि जब चुनाव खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, रसिया के पुतिन का राज हो जाएगा, किम जोंग का राज हो जाएगा, तो क्या जरूरत है चुनाव कराने की? तो मैं आपको बता रहा था कि मोहन भागवत ने
2015 में बिहार विधानसभा के चुनाव के पहले कहा कि देश के अंदर आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। क्यों भाई? बाद में जब उन पे हमले होने लगे तो लीपापोती करने में लग गए, नहीं हमारे कहने का ये मकसद तो नहीं था, वो मकसद तो नहीं था। तो इसलिए अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं, 2024 के पहले की योजना जो आपको बताने जा रहा हूं, वो प्रमाण सहित आपके सामने है। भारत के प्रधानमंत्री घूम घूम के 400 सीट मांग रहे हैं, उनके सांसद उनके नेता घूम घूम के 400 सीट मांग रहे हैं। ये 400 सीट उनको अपने काम पे नहीं चाहिए, इस बात पे भी नहीं चाहिए कि उन्होंने बेरोजगारों के लिए क्या किया, नौकरियां दी कि नहीं दी, महंगाई कम किया कि नहीं किया, किसानों की आय दोगुना हुई कि नहीं हुई, सबको पक्का मकान मिला कि नहीं मिला, काला धन आया कि नहीं आया, 15 लाख खाते में गया कि नहीं गया, इन सवालों पे वो चुनाव में वोट नहीं मांग रहे, अपने किसी काम की चर्चा नहीं करते। इलेक्टोरल बॉन्ड के भ्रष्टाचार हो, चाहे नोटबंदी का भ्रष्टाचार हो, किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं करते वो, चाहे पूंजीपतियों का 15 लाख करोड़ माफ करना हो, किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं। क्या 400 सीट दे दो संविधान बदलना है, 400 सीट दे दो संविधान बदलना है। और ये इनके अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह जी एक सभा में खुलेआम कह रहे हैं 400 सीट इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी की सांसद की प्रत्याशी कहती है 400 सीट चाहिए इसलिए कि संविधान बदलना है। अनंत हेगड़े जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है बीजेपी सरकार के, वो कहते हैं 400 सीट दे दो संविधान बदलना है। और अभी जो ताजा मामला आया है वो मेरठ के प्रत्याशी जो सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी हैं, अरुण गोविल जी, अरुण गोविल जी बयान दे रहे हैं 400 सीट चाहिए संविधान बदलना है। तो आप भारत का संविधान बदलना चाहते हैं? इस देश के 85% लोगों को जो अधिकार मिला है, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिला है, आरक्षण का अधिकार, वो आप उनसे छीनना चाहते हैं? नौजवानों को जो अधिकार मिला है वो आप छीनना चाहते हैं? किसानों की एमएसपी का जो अधिकार मिला है वो आप छीनना चाहते हैं? जो एक वोट का अधिकार मिला है जिसके कारण बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जनता के सामने सर झुकाते हैं, वो अधिकार आप छीनना चाहते हैं? क्या मनसा आपकी संविधान बदलने से? क्योंकि हमने देखा है संविधान बदल के आपने क्या किया। दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को आपने, दिल्ली में सर्विसेज के मामले में जो फैसला था उसको देश के अंदर, संसद के अंदर बदल दिया। जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश को रखा गया, उस फैसले को आपने संसद में बदल दिया। तो आपकी मंशा जाहिर है, आप नागपुर का संविधान इस देश में लागू करना चाहते हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान, उससे अगर कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ जान की बाजी लगा के हम लोग लड़ने का काम करेंगे। बाबा साहब के संविधान से छेड़छाड़ करने नहीं देंगे, आरक्षण खत्म नहीं करने देंगे आपको, आपको किसानों के हक नहीं मारने देंगे, युवाओं के हक नहीं मारने देंगे। आपने संविधान बदला है, ट्रेलर दिखाया है 2019 से 24 की सरकार ने, और 24 में आपने जीतने के बाद मन बना लिया है कि आप आरएसएस का, संघ का और नागपुर का संविधान देश में लागू करेंगे, जो संविधान कहता है आरक्षण तो खत्म होना चाहिए। मोहन वैद्य जी को तो आप जानते होंगे, सुनाइए भाई मोहन वैद्य जी का स्टेटमेंट। शुरुआत वर्षों से शिक्षा दी जाए, इस पर प्रयत्न करना चाहिए।
इसके आगे आरक्षण देना थोड़ा अलगाववाद बनाने वाली बात नहीं ऐसा लगता। बंद कर दीजिए, ये कह रहे हैं आरक्षण देना अलगाववाद बढ़ाने की प्रक्रिया है। ये मोहन वैद्य का बयान है, आरएसएस के बड़े महत्वपूर्ण बड़े नेता हैं मोहन वैद्य जी, उनका बयान है कि आरक्षण देना अलगाववाद को बढ़ाने की प्रक्रिया है। हमने हमको तो बाबा साहब ने, डॉक्टर लोहिया ने, जेपी ने, इस देश के निर्माताओं ने सिखाया कि आरक्षण देना विशेष अवसर का सिद्धांत है, समाज के शोषित और वंचित लोगों को आगे बढ़ाने का अधिकार है, समाज के शोषित और वंचित लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास है, और आप कह रहे हैं आरक्षण देना अलगाववाद की प्रक्रिया को बढ़ाने का प्रयास है। यह है आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता। 2024 के बाद देश का आरक्षण खत्म होगा, यह इस बात का प्रमाण है। यह 2017 का बयान है, 2015 का दिखाइए उनका, संघ प्रमुख का फैसला किया था लेकिन अंतिम वक्त पर यह फैसला बदला और बांकी बिहारी के दर्शन किए। रुख अगली खबर, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज आरक्षण नीति पर सवाल उठाते हुए इसकी समीक्षा की जरूरत बता दी। संघ के मुख्यमंत्री बंद कर, ये 2015 का इनका बयान है। अब मैं आपको 50 साल राज वाला अमित शाह का बयान दिखाता हूं। रुक करेंगे अगली खबर का। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 2019 से पहले बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अगले 50 साल तक बीजेपी राज करेगी। बंद कर दीजिए। अब आपको चार बयान मैं दिखाता हूं जो इस बार 24 के चुनाव में जो लोग लड़ रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। देखिए इनकी मंशा कैसे आरक्षण खत्म करने की और संविधान खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं, धीरे धीरे है ना, तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती। तो बंद कीजिए, आगे दिखाइए। ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह का दिखाइए, लल्लू सिंह का बयान, आनंद हेगड़े का बयान, ये कन्नड़ भाषा में बोल रहे हैं लेकिन लिखा हुआ है, क्या इनकी मंशा बता रहे राज्य सरकार बहुमत संविधान तिद्दुपड़ी मूलभूतवागी संविधान संपूर्ण कांग्रेस ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡದೇವನ್ನೆಲ್ಲ ತುರುಕಿದ್ರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನ ದಮನಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ರು। ಬಂದ್ ಕರ್ ದಿಜಿಯ ಔರ್ ಲಲ್ಲು ಸಿಂಗ್ ಕಾ ದಿಖಾಯಿಯೆ, ये किनारे वाला है। इसके लिए कई कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार को 272 जो मिल जाते हैं लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, उसके लिए दो तिहाई बहुमत से अधिक चीज। तो बस एक एक बयान ज्योति मिर्धा का भी होगा। हाँ, देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर होना चाहिए। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, कोई कमी नहीं। तो ये इस बार के चुनाव में जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो खुलेआम कह रहे हैं भाई हमको 2/3 मेजोरिटी दे दो, हमें संविधान बदलना है। और मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों से और इस देश के लोगों से भी कि सावधान हो जाइए। इस देश के 140 करोड़ लोग कृपा करके सावधान हो जाएं, अगर ये चुनाव की ताकत आपसे छीन लेंगे, 50 साल राज करने की इनकी मंशा है, आरक्षण खत्म करेंगे, चुनाव खत्म करेंगे, तो फिर याद रखिएगा कि देश के अंदर फिर कोई भी आपकी समस्याओं के लिए
आपके पास नहीं आएगा, कोई भी आपके सामने सर झुका के वोट मांगने नहीं आएगा, किसी से आप अपने अधिकार न मनवा सकते हैं न उसके सामने आवाज उठा सकते हैं। उसका ट्रेलर 2019 से 24 में शुरू कर दिया, जैसा मैंने आपको बताया दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के द्वारा दिए गए अधिकार छीन लिए गए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश को रखने के मामले को संसद के अंदर बदलाव कर दिया गया और अगली तैयारी इनकी है 50 साल राज करने की मंशा को लेके, जो नागपुर का संविधान है, जो भागवत का संविधान है, जो मोहन वैद्य का संविधान है, जो कहता है आरक्षण खत्म करना चाहिए, वो संविधान इस देश के अंदर ये अपना संविधान लागू करेंगे, बाबा साहब का संविधान खत्म करेंगे। मुझे इतनी बात कहनी थी।